पेरिस ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। इसी कड़ी में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले चरखी दादरी के नितेश कुमार बहादुरगढ़ स्थित अपनी शाइनिंग स्टार बैडमिंटन अकेडमी पहुंचे, जहां कोच, अकादमी संचालकों और खेल प्रेमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं नितेश की उपलब्धि से बेहद खुश एचएल सिटी के निदेशक राकेश जून ने एकेडमी के सैकड़ों खिलाड़ियों की एक महीने की करीबन 37 लाख रुपए की फीस माफ कर दी। उन्होंने कहा कि नितेश कुमार पर पूरे देश को नाज है और उनकी उपलब्धि से प्रभावित होकर एकेडमी के खिलाड़ी देश के लिए पदकों की झड़ी लगा देंगे। और सब मेडल लेके आए हैं, ये इस एकेडमी के लिए नहीं, देश के लिए गौरव की बात है। हरियाणा के लिए, पहले एकेडमी के लिए, फिर एचएल सिटी के लिए और फिर हरियाणा के लिए और फिर पूरे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो इनको देख रहे हैं, इनको बहुत बड़ा हौसला मिलेगा इस चीज से और अब यहाँ पे मेडलों की जड़ी लगने वाली है। और वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इनकी सभी बच्चों की एक एक महीने की इनकी जीतने की खुशी में फीस माफ है, जो करीब 37-38 लाख रुपए बनती है। और किसी भी बच्चे को कभी भी किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स में मदद की जरूरत हो, उसके लिए हम हमेशा तैयार। बता दें कि 2009 में हुए एक सड़क हादसे में नितेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद नितेश ने कभी हौसला नहीं हारा और लगातार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर देश के लिए मेडल बटोरते रहे। उन्होंने शाइनिंग स्टार एकेडमी की निदेशिका शैलजा जून का भी आभार प्रकट किया और कहा कि उन्होंने हमेशा उन्हें मोटिवेट किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वापस एकेडमी में आया हूं और जब मैं मेडल जीता उसके बाद से मैं वो फील कर पा रहा था, क्योंकि मुझे एकेडमी के बच्चों की विशेष आ रही थी। मैम का फोन आया, उनके बच्चों का फोन आया और सबसे बात करके मुझे फील हो रहा था कि सब बहुत खुश हैं। आज यहाँ आगे मुझे वो पर्सनली रियलाइज हो रहा है और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मुझे इधर से निकल के इतना बड़ा मौका मिला, मैं उस मौके को कैश करके मैं इतना बड़ा मेडल इंडिया के लिए जीत पाया। एक्चुअली परिस्थितियाँ काफी विषम रही होंगी, उन परिस्थितियों को देखते हुए इस पूरे सफर में आपको कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, कैसे हैंडल किए सारी चीजें? हाँ जी, ऑफ कोर्स प्लेइंग विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स इज वेरी डिफिकल्ट, बट मेरे फिजियोज, मेरी टीम, मेरे यहाँ कोचेज और मैम का, सर का इतना सपोर्ट रहा है कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। यूजुअली जिम टाइम्स में थोड़ा सा रश होता था तो प्लेयर्स को थोड़ा बहुत स्केड्यूल होता था सभी प्लेयर्स का, बट मेरे लिए वो चीज़ थोड़ा रिलैक्स थी कि मैं अपने ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो मेरे फिजियो प्लान करते थे उसके अकॉर्डिंग मैं इंडिपेंडेंटली जब चाहता था तब मेरे को सेशन, जब चाहता था मैं तब मुझे रिकवरी और जिम करने की फैसिलिटी थी, उतना उन्होंने मेरे इंडिपेंडेंटली सपोर्ट किया है। तो मैं बहुत बहुत वो हूँ, लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा सेटअप मिला, इतने अच्छे इंटरनेशनल लेवल के कोच मिले और कोचेज मिले। इंडोनेशियन कोचेज ने मुझे काफ़ी कुछ अच्छे हिंट्स दिए, बेनिफिट्स, आइडियाज़ दिए और वो टेक्निकली सुपीरियरिटी दी कि मैं वहाँ जाके उन सब चीज़ों का यूज़ कर पाया और इम्प्लीमेंट कर पाया। खुद भी एक कोच? हाँ जी, मैं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में एज ए सीनियर कोच जॉब कर रहा हूँ, बट फिलहाल 2-2.5 साल से मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए लीव पे था। बट हाँ, मैं भी एक कोच हूँ, तो वो बच्चों को खेलते हुए देख के और बच्चों को सिखाते सिखाते थोड़ा बहुत मेरे में भी वो डेवलपमेंट आया है कि मैं थोड़ा और पेशेंट हो गया हूँ और उस चीज़ का काफ़ी फायदा हुआ मुझे। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता रहा है कि और चाहिए? हाँ जी, बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का फाइनेंशियली भी सपोर्टमेंट है और जैसे मैंने बताया कि मुझे जॉब से फ्री हैंड था कि मैं जाऊँ अपनी ट्रेनिंग करूँ, जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं अच्छा खेल रहा हूँ तब तक। प्लस अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, इंडिया का बहुत सपोर्ट है, टॉप्स की स्कीम है, उन्होंने उसके थ्रू सभी बड़े एथलीट्स को प्रिपेयर कर किया जाता है पैरालंपिक्स के लिए और सारी बेनिफिट, सब कुछ, सारे फैसिलिटीज दी जाती है। सबके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि बैडमिंटन को एंजॉय करते रहो। अगर आप बैडमिंटन को एंजॉय करना छोड़ के सिर्फ ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा अपने आप को पुश करोगे तो वो रिजल्ट्स नहीं देता। तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क के साथ साथ वो पैशन भी रहना चाहिए स्पोर्ट में, जिस जो आपको गेम में रुचि रखा है बनाए रखा। नितेश ने साथी खिलाड़ियों को कहा कि उन्हें अपना खेल एंजॉय करना चाहिए, तभी वो अपने खेल को लगन और मन से खेलेंगे, जिसके बाद सफलता निश्चित तौर पर हासिल होगी। नितेश कुमार ने भारत सरकार की टॉप्स स्कीम को भी खिलाड़ियों के लिए बेहद खास बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों का हर स्तर पर हौसला बढ़ाया है, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहें। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।